wildlife conservation wildlife conservation is an interesting area in the debates of environmental sociology and environmental studies wildlife includes all non-domestic plants animals and other organisms wildlife consists of the plants animals and all other uh, uh, organisms Kisi bhi प्लांट्स हैं जो पौधे हैं जंगलों में ट्रीज छोटे पौधे ग्रीनरी प्लांट्स एनिमल्स द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो रहते हैं नेचुरल सिस्टम में एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम जो हमारे नेचुरल सिस्टम का हिस्सा है वाइल्ड लाइफ इज़ अन वेटरी बेट एनिमल अदर देन ह्यूमन बींग्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड फिश लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ऐसे एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ कहते हैं कि जिन्हें डोमेस्टिकेशन के लिए ना यूज़ किया जा सके जैसे घरों में पाले जाने वाली भैंसें कॉज बफेलोस, शीप्स गॉड्स उन्हें हम वाइल्ड लाइफ नहीं कहते वाइल्ड लाइफ वो है जो घरों में नहीं पाली जाती नेचुरल इन्वामेंट में और नेचुरल सिस्टम में वो रहते हैं और ग्रो होते हैं बट कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ जो प्लांट हैं घरों में कुलान बनाना उसमें फ्लावर्स लगाना बहुत से पौधे लगाना साथ में डोमेस्टिकेशन के परपज़ के लिए घर में बहुत से जानवरों को रखना तो जो घर में जानवर रखे जाते हैं या प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए जो जमींदार खुद प्लांट कल्टीवेट करता है तो उसे वाइल्ड लाइफ नहीं कहते रिडक्शन इन रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मोस्ट क्रिटिकल स्पेसीज आर टाइगर्स टाइगर्स दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन है क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो सबसे ज़्यादा एनिमल सफ़र कर रहे हैं जिनका जो जिनका जिंदा रहना या जिनकी नस्ल मदूम होने का या ख़त्म होने का चांस है जिन्हें ज़्यादा कंजर्वेशन की नीड नीड है दैट आर द टाइगर्स द एलीफेंट्स ग्रेलाज पांडा एंड मेरीट मेरीट मेरीन टर्टल्स जो समंदरों में रहने वाले टर्टल्स हैं वो इट्स एल्फ सी पोलूशन की वजह से भी ख़त्म हो रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑन बायोडावर्सटी बायोडिवर्सटी पर जो इम्पैक्ट्स हैं कि ओवरऑल जब एसिड रेन होती है तो बहुत से ऐसे ग्रीन स्मॉल प्लान्ट आटोमेटिक खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसका वो पॉइजनस इफेक्ट जो है उसको बियर नहीं कर पाते तो बायोडावर्सिटी जो बहुत से ऐसे एनिमल्स जिन्हें ज़रूरत है उन प्लांट्स पे जो ज़िंदा रहते हैं उनको खाते हैं वो इट्सल्फ ख़त्म हो जाते हैं लॉस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ख़त्म हो रही है प्रॉब्लम्स हो रही हैं लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इट् इकोनॉमिक वैल्यू का लॉस हो रहा है कि इकनॉमिक वैल्यू जो अटैच है वाइल्ड लाइफ के साथ वो जब वाइल्ड लाइफ सफ़र करती है या डैमेज होता है तो वो भी ओवरऑल पूरे सिस्टम में एक डैमेज लाइक सिचुएशन है ब्यूटी ऑफ अर्थ जो ज़मीन की ब्यूटी है वो वाइल्ड लाइफ से है जब वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती है तो ओवरऑल डाइवर्सिटी द ब्यूटी ये जमीन जो खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जहाँ इंसान हैं जानवर हैं च्रिंद हैं परिंद हैं तो वो उसकी ब्यूटी ख़त्म होती है सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ब्यूटी ऑफ अर्थ इकोनॉमिक वैल्यू को लॉस होने से बचाया जाए जेनेटिक सेंस को बचाया जाए और मेंटेन प्रोटेक्ट किया जाए बायोडावर्सिटी को काज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन ग्लोबली उसकी काज़े क्या हैंक्सप्लाइटेशन की वजह से ग्लोबली जो वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है वो थर्टी सेवन परसेंट है एक्सप्लाइटेशन लाइक like जो इसके शिकार करना हंटिंग करना सेकेंड वन इज़ हैबिटेट डिग्रेडेशन जो चेंजेस ओवरऑल आ रही हैं उनके हैबिटेट में जो नेचुरल इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है हैबिटेट लॉस है उसकी वजह से थर्टीन परसेंट है क्लाइमेट चेंज की वजह से सेवेंटी सेवन परसेंट है और अदर्स अलेवन परसेंट हैं सो आज भी ह्यूमन एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लाटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वही सबसे बड़ी वजह है दैट इज़ थर्टी सेवन परसेंट ऑफ टोटल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे होती है एक्सटेंसिव ह्यूमन डिमांड रिजल्ट इन हैबिटेट लॉस किसी भी चीज़ को ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्प्रिशियस बर्ड्स हैं जिनकी हंटिंग के लिए दूर दूर से लोग आते हैं मारखोर की हंटिंग के लिए ट्राफीज़ होती हैं लोग आते हैं उसके लिए बहुत बड़े बड़े रिवार्ड्स बहुत बड़ी बड़ी लाइसेंस लेने के लिए पैसे पे करते हैं रेन फॉरेस्ट ट्रोपिकल ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्लियर फार ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते हैं तो क्लाइमेट चेंज आता है क्योंकि बारिश उससे कम होगी वुड टिम्बर रिसोर्सेज वुड के रिसोर्सेज और टिम्बर के रिसोर्सेज उनके लिए भी वाइल्ड जब ख़त्म किया जाता है फॉरेस्ट को तो ओवरऑल डायरेक्ट फिर वाइल्ड लाइफ भी ऑटोमेटिक ख़त्म होती है डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को कोल को पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़े लेवल पे जब नेचुरल सेटिंग्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो भी उससे ओवरऑल इन्वायरमेंटल डैमेज होता है मिनरल रिसोर्सिस फॉर कैश ड्रॉप प्लांटेशन एफ सब सबसिस्टेंस फॉर्मेंट फार्मिंग जो कैश ड्रॉप प्लांटेशन है और सबसिस्टेंस फार्मिंग है दिस इज इट्सल्फ अ बिग थ्रेट एंड चैलेंज फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी नेशनली और इंटरनेशनली डिमांड है फॉर द मीट ट्रेड है मीट की पर्पज के लिए गोश्त के पर्पज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड होती है पेट ट्रेड है से एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर द इकोनॉमिक परपजेज़ उनकी ट्रेड की जाती है बॉडी पार्ट ट्रेड जानवरों के बॉडी पार्ट्स हैं जैसे बहुत से जानवरों के सींग हैं जो प्रीशियस uh, रिसोर्स uh, के तौर पे सेल किए जाते हैं और वो सींग हासिल करने के लिए बहुत से जानवर जो हैं उन्हें मार दिया जाता है ख़त्म कर दिया जाता है ट्रेड फॉर दायोमेडिकल रिसर्च बायो मेडिकल रिसर्च में क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं तो उस ट्रेड की वजह से भी ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है या ख़त्म हो रही है सो मीट ट्रेड के जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका शिकार होता है हंटिंग होती है और लेटर ऑन फॉर द पर्पज़ ऑफ मीट ट्रेड उनको किल किया जाता है और ओवरऑल वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म होती है पेट ट्रेड बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें घरों में रखा जाता है उसमें मॉन्कीज़ हैं अभी तो टाइगर्स को भी लोग रख लेते हैं तो वाइल्ड लाइफ में ऐसे जानवर जिनको घरों में रखा जाता है उसमें बहुत से बर्ड्स शामिल हैं बहुत से एनिमल्स हैं तो उनकी जब ट्रेड होती है दैट इट्स अ चैलेंज फॉर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जानवरों के बॉडी पार्ट्स के उनके सींग उनकी ऐसी बहुत सी चीज़ें उनका आ, जो खाल है उनका उसकी लेदर की चीज़ें बनाना या उन्हें सजाना घरों में तो बहुत से जो ऐसी वाइल्ड लाइफ जो ऑलरेडी जिनकी नस्ल खतरे में है वो सिर्फ सींगों के लिए या किसी उसकी खाल हासिल करने के लिए उन्हें किल कर दिया जाता है इट्स मीन द ओवरऑल वाइल्ड लाइफ इज़ बीइंग थ्रेटन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ and finally, the trade for the biomedical research and no doubt for the purpose of biomedical research, animals are used for this purpose. laboratories may, scientists, animals go use hain, although this is the little one of the all other three totals, but still this is itself a problem in terms of the wildlife conservation.